नमस्कार जी। ...2014 के बाद से भारत में जितने भी बजट आए हैं उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही न्यू एज रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाता रहा है। ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीति के तीन मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। इसी रणनीति के तहत चाहे इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, पीएम कुसुम योजना हो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव देना हो, रूफटॉप सोलर स्कीम हो, कोल गैसिफिकेशन हो, बैटरी स्टोरेज हो, बीते वर्षों के बजट में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट्स हैं, तो किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना है। इसमें गांवों के लिए गोवर्धन योजना है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर बल है, तो वेटलैंड कंजर्वेशन पर भी उतना ही फोकस है। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है।